दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। दोस्तों वजन बढ़ाने के लिए प्राकृतिक सप्लीमेंट लेना हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है, ये आपका वजन तो बढ़ाता ही है, साथ ही आपके शरीर को कई बीमारियों से दूर रखता है। इसमें आप फल और अन्य प्राकृतिक आहार का सेवन कर सकते हैं, जिससे आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप काफी दुबली पतली है, अपना शरीर बढ़ाना चाहती है, यानी कि शरीर में वजन बढ़ाना चाहती है, महिलाएं अगर अपना वजन बढ़ाना चाहती है तो वो क्या खा सकती है, तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों नंबर वन जो है वो है साबुत अनाज। जी हाँ दोस्तों, महिलाएं अपना वजन बढ़ाने के लिए साबुत अनाज का प्रयोग कर सकती है। साबुत अनाज में फाइबर, मिनरल्स, विटामिन्स, कैल्शियम और प्रोटीन ये प्रचुर मात्रा में होते हैं। पीसा हुआ जो अनाज होता है दोस्तों, उसकी तुलना में साबुत अनाज जो होता है उसमें ये चीजें ज्यादा पाई जाती है। साबुत अनाज अगर महिलाएं खाती है तो उनके शरीर को दोस्तों ऊर्जा मिलती है। साबुत अनाज में आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि गेहूं, बाजरा, मकई, जो पास्ता, दलिया आदि का आप सेवन कर सकते हैं। साथ ही इसमें जो मिक्स दलिया जो आता है वो आपको कहीं भी शॉप पर आसानी से मिल जाता है, उसका सेवन भी आप कर सकते हैं। दोस्तों साबुत अनाज का अगर आप प्रयोग दूध के साथ करते हैं तो आपके लिए और भी लाभकारी होता है वजन बढ़ाने के लिए, और ये वजन बढ़ाने के साथ साथ आपको कई बीमारियों से भी बचाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, महिलाओं को अपना जो आहार होता है डाइट चार्ट, उसमें हरी और सीजनल सब्जियों को शामिल करना चाहिए। ये सब्जियां जो होती है उनके शरीर को पोटेशियम, विटामिन और फाइबर की मात्रा प्रदान करती है। इसमें आप शामिल कर सकते हैं पालक को, पत्ता गोभी, तोरी, करेला इत्यादि आप खा सकते हैं, इसमें भरपूर मात्रा में आपको पोषण तत्व मिलते हैं। इसी के साथ आप दोस्तों वजन बढ़ाने के लिए ताजे फलों का सेवन कर सकते हैं। अगर आप फल नहीं खा सकते हैं तो ध्यान दें आप जूस का सेवन कीजिए। जूस में आपको विटामिन, कैल्शियम, फाइबर पर्याप्त मात्रा में मिल जाएंगे, जो कि आपका वजन बढ़ाने में बहुत सहायक होते हैं। अगर आप दोस्तों केला खा सकते हैं तो आप दूध के साथ केले का भी सेवन कर सकते हैं फल में, ये आपका वजन बढ़ाता है। आप डेयरी उत्पाद का प्रयोग कर सकते हैं, सेवन कर सकते हैं, जैसे दूध और दही, ये कुछ ऐसे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जिनमें कैलोरी की ज्यादा मात्रा होती है। लंच और डिनर के साथ मिल्क शेक, मलाई युक्त दूध का अगर आप सेवन करते हैं तो शरीर में अतिरिक्त मात्रा में कैलोरी और वसा और पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। शरीर को ये सभी चीजें प्राप्त होती है और ये सही सोर्स से आपको प्राप्त होती है, यानी कि ये हानिकारक नहीं होती है, जिनसे आपका वजन बढ़ता है। इसी के साथ दोस्तों पनीर और मक्खन को आलू और अंडे के साथ मिलाकर भी आप खा सकते हैं। फोर्थ है दोस्तों, आप सूखे मेवों का प्रयोग कर सकते हैं वजन बढ़ाने के लिए। महिलाएं नट्स का प्रयोग कर सकती है। इसकी ये खासियत होती है कि ये प्राकृतिक सप्लीमेंट के रूप में काम करता है। दोस्तों आप बादाम खा सकते हैं, बादाम से तंत्रिकाओं का विकास होता है। वजन बढ़ाने के लिए आप अखरोट का इस्तेमाल कर सकते हैं, अखरोट भी प्राकृतिक सप्लीमेंट होता है। अखरोट में दोस्तों मोनोसैचुरेटेड फैट होता है, जो कि वजन बढ़ाने में काफी सहायक होता है। नियमित आप 20 ग्राम अखरोट खा सकते हैं, इससे तेजी से वजन बढ़ता है। दोस्तों नारियल तेलों का भरपूर स्रोत होता है। नारियल का दूध भोजन के लिए काफी अच्छा होता है, साथ ही स्वादिष्ट भी होता है। नारियल के दूध में भोजन पकाकर अगर आप खाते हैं तो कैलोरी की मात्रा बहुत बढ़ जाती है और इससे आपका वजन बढ़ता है। इसी के साथ दोस्तों खान पान के साथ आपको एक्सरसाइज भी करनी है। अगर आप एक्सरसाइज या योगा नहीं करेंगे तो वो खाना आपके पेट में ही भरा रहेगा और पेट को फुला देगा और आपके बॉडी पर असर नहीं आएगा। इसलिए इस डाइट को फॉलो करें और उसी के साथ आप एक्सरसाइज और योगा भी करें, उससे आपका वजन काफी अच्छे से बढ़ जाएगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारा चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।